दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, ट्रेलर तो आप देख ही चुके हैं और आगे आप लोगों को वीडियो भी दिखाएंगे कैसे कैसे मेरी क्या कंडीशन है। तो आज आप लोगों के सामने मैंने अपनी जो है हकीकत बिल्कुल आप लोगों को दिखा दी है क्या कंडीशन है। तो अगर किसी को अभी भी मन में किसी के डाउट है तो भाई देख लो, अब इससे बाकी तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो लेकिन दोस्तों, अब 4 साल हो गए तो इसमें मतलब इतनी मेहनत करने के बाद जो है ये इतना थोड़ा सा फल मिला है, क्योंकि कंडीशन इतनी नाजुक थी कि मतलब डॉक्टरों का मानना भी ये था कि मैं नहीं चल सकता। तो लेकिन दोस्तों, मेहनत की जैसे कैसे करके दोस्तों इतना यहाँ तक अभी पहुँच चुका हूँ, अपनी टांगों पे फ़िलहाल खड़ा हूँ और आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करते रहेंगे। शायद हो सकता है आप लोगों की दुआओं से, भगवान की दुआ से शायद मैं अपनी टांगों पे फिर से जो है चल सकूं। तो देखते हैं दोस्तों, बस मेहनत करनी है, मेहनत करते जाओ और जो अपना कर्म है उसको पूरा करते जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। यहाँ से घर से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर मैं निकल चुका था अपने दीदी के घर में, हरियाणा में, करनाल में। वहाँ पर दोस्तों 2.5-3 साल तक जो है कंटिन्यू फिजियोथेरेपी ली, तो उसकी वजह से है दोस्तों मैं मतलब आज जो है अपनी टांगों पर खड़ा हूँ। और मेरी दीदी है, मेरे जीजाजी है, उन्होंने भी मेरा मतलब बहुत साथ दिया, अपने बच्चे की तरह उन्होंने मुझे रखा। तो उनका भी बस क्या ही बोले दोस्तों, कैसे उनका मैं बस शुक्रिया अदा तो करने की क्या बात है, वो तो अपने हैं। लेकिन उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, घर के भी दे रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरे साथ 2-2.5 साल तक जो है कंटिन्यू मेरे साथ वो बने रहे। उन्होंने अपने घर में मुझे नहलाना धुलाना, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, सब कुछ मतलब उन्होंने जो है किया। तो वहाँ से मैं 2-2.5 साल बाद वहाँ से मैं घर आया, तो मतलब थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर चलना शुरू कर दिया था। फिर घर में आकर भी दोस्तों एक्सरसाइज करता रहा। मेहनत जो है ना दोस्तों, इतनी तगड़ी मेहनत की है कि जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इतना तो मतलब मैं जब कभी ठीक था, अपनी टांगों पे चलता था, बिल्कुल स्वस्थ था जिस टाइम, उस टाइम भी मैंने ऐसी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत मैंने इसमें मुझे करनी पड़ी। तो मेहनत है दोस्तों, करनी पड़ती है, करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। तो यही है दोस्तों, अब ज़िंदगी का उतार चढ़ाव होता रहता है। ये वीडियो मैंने आज स्पेशली इसी के ऊपर बनाई थी कि मैंने आप लोगों को अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी जो है वो मैंने आज आप लोगों को दिखानी थी। तो आज मैंने वो आज आप लोगों को मैंने दिखा दी है। अब इससे बाकी अब मैं क्या दिखा सकता हूँ, बस ये मेरी हकीकत है जो आप लोगों के सामने है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।